गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। गंगा नदी प्रणाली एक विशाल उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, जिसमें देश की बहुत बड़ी जनसंख्या का संकेंद्रण है। इस तंत्र की मुख्य नदी गंगा का सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर है। भागीरथी यहाँ 25 लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। 205 किलोमीटर बहने के बाद भागीरथी व अलकनंदा का देवप्रयाग में संगम होता है, जिसके पश्चात वो गंगा के रूप में पहचानी जाती है। यह उत्तराखंड में संतोपथ और भागीरथ खरक नामक हिमनदों से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता। अलकनंदा नदी की सहायक नदियां अलकनंदा विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा नदी, नंदप्रयाग में नंदिनी नदी, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है। अंत में यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, जहां यह आधिकारिक रूप से गंगा नदी बन जाती है। इन पांच प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। इस प्रकार 200 की मी का संकरा पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदानों का स्पर्श हरिद्वार में करती है। अंततः रामगंगा नदी 610 किलोमीटर की पहाड़ी तथा मैदानी यात्रा करने के पश्चात कन्नौज के निकट गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना प्रयागराज के निकट बाईं ओर से गंगा नदी में जा मिलती है। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय हैं। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ियों से होता है, जो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, और नदी मध्य प्रदेश में बहते हुए राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। बेतवा नदी, जिसका प्राचीन नाम वेत्रवती वेत्रावती था, भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना नदी की उपनदी है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। केन यमुना की एक उपनदी या सहायक नदी है, जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है तथा यह बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। दरअसल मंदाकिनी तथा केन यमुना की अंतिम उपनदियां हैं, क्योंकि इसके बाद यमुना गंगा से जा मिलती है। गोमती उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले की तहसील कलीनगर के ग्राम फुलहार के उत्तर पश्चिम में फुलर झील गोमताल से होता है। इस नदी का बहाव उत्तर प्रदेश में 900 की मी तक है। यह वाराणसी के निकट सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी घाघरा रिवर या कर्णाली नदी कर्णाली रिवर तिब्बत नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। मैदानी भाग में यह नदी दो उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी पश्चिमी शाखा कर्णाली और पूर्वी शाखा को शिखा कहते हैं। आगे चलकर ये पुनः एक हो जाती है। लगभग 970 किलोमीटर की यात्रा के बाद छपरा बिहार के निकट यह नदी गंगा में मिल जाती है। सोन नदी का बहाव नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के माध्यम से पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में कैमूर रेंज के समानांतर दिशा में बहने लगती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। गंडकी नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर बहती है। बिहार में यह चंपारण सारण और मुजफ्फरपुर जिलों से होकर बहती हुई 192 मील के मार्ग के बाद पटना के सम्मुख गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमहल बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। महानंदा नदी गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह उत्तरी भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र में बहती है। यह उत्तरी पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग पहाड़ियों की चरम सीमा से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। यह बिहार व पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। फरक्का बांध भारत के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी
नदी के ऊपर बना बांध है। इसका निर्माण साल 1975 में हुआ। 1975 में इसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, भागीरथी और पद्मा। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती है, जबकि पद्मा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती फिरका बैराज 1974 निर्मित से छनते हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिमी बंगाल में पहुंचती है। हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व यह उससे मिलती है। इसकी कुल लंबाई 368 मील 592 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप की बहुत सी प्रसिद्ध एवं बड़ी नदियां पश्चिम से पूर्ववत बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में सागर संगम पाती हैं। गंगा इनमें से उत्तरतम नदी है। इसकी प्रमुख धारा भारत से बांग्लादेश में प्रवेश कर पद्मा नदी नाम से निकलकर वहीं मेघना नदी से मिल जाती है। इसके बाद ये अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक यह कि गंगा जल में बैक्टीरिया फोस नामक एक बैक्टीरिया पाया गया है, जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है। दूसरा, गंगा के पानी में गंधक की प्रचुर मात्रा मौजूद रहती है, इसलिए भी यह खराब नहीं होता।